अतिथि शिक्षकों के, अतिथि विद्वानों के और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हेलो नमस्कार, बृंद हमारे चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्माया है। नेशनल मीडिया में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात की गई है और अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात की, संविदा कर्मचारियों को बात की गई। बीजेपी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे और एमपी न्यूज पर अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान का मुद्दा गर्माया और नियमितीकरण की बात की गई। किस कौन सरकार अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया है और नियमितीकरण की बात की गई, वेतन वृद्धि की बात की और अतिथि शिक्षकों को निकालने पर रोक लगाई जाए, इसके संबंध में भी बात की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 5 महीनों से भुगतान नहीं मिला, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 1 लाख है। क्या वो लाडली बहना नहीं है जिनके घर में आज दिवाली नहीं हो पाई? 2 लाख आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जिनकी, जिनको लेकर कोई नीति शिवराज सिंह सरकार की नहीं है, क्या वो लाडली बहना नहीं है? मध्य प्रदेश की संविदा कर्मचारियों की महिलाएं आज अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है, क्या वो लाडली बहना नहीं है? मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान जिन्होंने सैडोल के अंदर रो रो कर शिवराज सिंह चौहान को पकड़ा और कहा कि मामा हमें नियमित कर दीजिए, मामा हमारी सुरक्षा कर दीजिए, हमारी नौकरी जाने वाली है, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को उन लाडली अतिथि विद्वानों की याद नहीं आई? मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं, इसमें लगभग 25,000 से अधिक महिला अतिथि शिक्षक हैं, आज उनकी नौकरी जा रही है, उन्हें घर में ढाल दिया गया, क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उन लाडली बहनों की याद नहीं आई? ये दोगलापन है, सिर्फ वोट लेने के लिए आपने योजना लेके आई, जो दोगलापन वही। मैं तो उस वाद विवाद मैं तो तथ्यों में कह रहा हूँ, चिल्लाने से, हल्ला करने से और खेत की बात हो रही है, खलिहान की बात करने से बात नहीं होगी। उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा, उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। कहिए सैयद जी। कृति जी आप जज की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आप हम सबसे सवाल कर रही हैं और आपका दायित्व है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपके सवालों का सीधा जवाब दें। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो तथ्यों के आधार पर आप इनसे बात कर रहा हूँ। क्यों आपने आशा कार्यकर्ताओं को 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया? क्यों आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को आपने 3 महीने से पेमेंट नहीं दिया? क्यों आपके अतिथि विद्वान की, जो हमारी महिला अतिथि विद्वान है, क्यों उनको आप नौकरी से निकाल रहे हो? क्यों आपने पटवारी का अभी तक एग्जाम का जो रिजल्ट आया था उसको रोक के रखे हैं? तो सवाल तो ये उठता है कि आप बेरोजगार आज आपसे परेशान है, कर्मचारी आपसे परेशान है, रोजगार सहायक आपसे परेशान है। पहले याद दिलाना चाहती हूँ कि सिर्फ झूठ और फरेब की दुकान से एक जनता की सेवा नहीं कर आप सकती जवाब है। कि आपके जवाब में आ रहे हैं, आपको मैं याद दिलाऊं, आशा कार्यकर्ता को पेमेंट क्यों नहीं दिया? आप सुने, आप आशा कार्यकर्ता के बारे में बात करिए, आशा नहीं तो देखिए सवाल का जवाब देंगे ना। सवाल हम कर रहे हैं आशा कार्यकर्ता के बारे में, सवाल कर रहे हैं हम अतिथि शिक्षक के बारे में, सवाल कर रहे हैं जाफर जी, जवाब तो देने दीजिए ना। नहीं तो उसी का जवाब, जो सवाल है उसका जवाब चाहिए, यही कांग्रेस का जवाब चाहिए, असली चेहरा है। हाँ, मुद्दों से भटकते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता का विभाजन करते हैं, कभी धर्म के नाम पे। आप बोलने दीजिए वरना आपको जवाब देने दीजिए ना, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, वो जवाब देने दीजिए। आप अगर आज आरक्षण की बात करूं